ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है माता कर्मा देवी जयंती पर्व। साहू समाज की आराध्या माँ कर्मा देवी अनन्य कृष्ण भक्त रही हैं और इनके जन्म समय के बारे में काफ़ी मतांतर हैं। जहाँ सन इन्हें 1017 में जन्म मानते हैं, कुछ लोग इन्हें 16वीं सदी के काल का इन्हें मानते हैं। बहरहाल जो भी है, पर एक निश्चित है कि इनका जो जन्म था वो पापमोचनी एकादशी में हुआ था। तो इस तरह से जन्म तारीख कहीं कहीं 20 मार्च बताते हैं और कहीं कहीं 31 अगस्त है और कहीं कहीं 31 मार्च बताते हैं तो 20 अगस्त बताते हैं। तो ये इस तरह से मतांतर की बातें हैं। पर माता कर्मा देवी की जो जयंती पर्व है वो पापमोचनी एकादशी को मनाया जाता है। उस दिन कोई भी दिनांक हो, पर ये इस तरह से माँ कर्मा देवी की जयंती मनाई जाती है और साहू समाज की आराध्या। और इस प्रकार से जगन्नाथपुरी में सर्व समाज की आराध्या माता कर्मा देवी को सभी पूजते हैं और सभी इनकी जयंती पर्व को मनाते हैं। तो इस तरह से ये कहना उचित नहीं होगा कि ये तेली समाज की या साहू समाज की आराध्या है, अपितु जब माता कर्मा जो है नागौर राजस्थान से भगवान कृष्ण की भक्ति के पश्चात जो है पुरी पहुंच गई थी और तब से वहाँ पुरी में जो सप्तमूर्तियाँ स्थापित हैं उनमें माता कर्मा देवी का स्थान प्रमुख है। तो इस तरह से जो है माता कर्मा देवी को अब संपूर्ण हिंदू समाज जो है पूजता है। और इस तरह से तो कभी जगन्नाथपुरी चल के माँ कर्मा को खिचड़ो जो है जरूर खाइयो। आज माँ कर्मा देवी जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ।